राजेंद्र नगर में फिलहाल छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। बड़ा हादसा होता है, 3 छात्र छात्राओं की मौत हो जाती है, लेकिन ये गतिविधि, ये घटना, ये दुर्घटना सिर्फ एक नहीं है बल्कि इसके पीछे पूरी फहरिस्त है, क्योंकि कई साल से इसी तरीके से बेसमेंट में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लाइब्रेरी बनाई जा रही थी और पुलिस कंप्लेंट भी बाकायदा जो लोकल रेजिडेंट हैं उनकी तरफ से की गई थी। रविरंजन कुमार जी हमारे साथ बात करने के लिए। रविरंजन जी, आपके पास कुछ दस्तावेज हैं जो अप्रैल 2023 के हैं, यानी सवा साल पहले के, क्या था उसमें और एक बार दिखा भी दीजिए कैमरे पर कि किस तरीके से आपने कंप्लेंट की, बता दीजिए। यहाँ पर इलीगल गतिविधियाँ चल रही थी जितने बेसमेंट हैं सब में, और जब उनके मालिक से पूछो तो वो कहते थे कि भैया हम पुलिस को हफ्ते दे रहे हैं, हम जो है मतलब कि या कितने इंस्टीट्यूट होंगे जो आप कह रहे हैं कि हफ्ते दे रहे हैं, क्योंकि 3-4 तो हम यहीं पर देख पा रहे हैं। इस इलाके में कितने होंगे टोटल? बहुत ज़्यादा हैं, कम से कम 100 के आसपास है। तो सब में लाइब्रेरी और बेसमेंट में? हाँ, सब बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रहे हैं, सारे इलीगल काम हो रहे हैं। शिक्षण संस्थान के लिए बेसमेंट नहीं होती है, पार्किंग के लिए होती है, सामान रखने के लिए होती है। आपने कहा कि एज पर द बायलॉज, एज पर द मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली 2021, उसमें ये कहा गया कि बेसमेंट तो पार्किंग के लिए होती है, तो फिर क्या रिप्लाई क्या आया यहाँ पर नीचे? अभी तक कोई रिप्लाई इन्होंने नहीं दिया, कहा जो हम इंक्वायरी कर रहे हैं। यहाँ पे आपने पुलिस कमिश्नर का भी एक दस्तावेज दिखाया था कि पुलिस कमिश्नर को आपने रिप्लाई के लिए कहा था, उन्होंने कहा था इस मामले की जांच की जाएगी, क्योंकि लिखा है ये। ठीक है, और यहाँ पे पुलिस कमिश्नर को भी आपने किया था और उनका भी एक रिप्लाई है जो यहाँ पर हमारे सामने आया है। यहाँ पे आप देखिए कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर का भी रिप्लाई आया है, उन्होंने कहा है कि DCP रिपोर्ट देंगे और ये भी पुरानी बात है, 2024 की है, मई महीने की कि यहाँ पे पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि हम DCP से रिप्लाई करेंगे, यानी एक साल से पहले से लेकर के लोकल रेजिडेंट इसी तरह की आवाज़ उठा रहे हैं। तो क्या यहाँ पर बाकी जगह भी लाइब्रेरी है जहाँ पार्किंग के लिए होना चाहिए? हाँ, हर जगह जो है बेसमेंट बने हुए हैं इलीगल। अच्छा, आपने पुलिस को ही कंप्लेंट की या फिर यहाँ पे जो MCD उनसे भी कहा कि पानी वानी भर जाता है? निगम पार्षद को भी किया कि भैया ये सारी जो व्यवस्था है इसको जो है निराकरण करो। वो बोले जे कभी हमारा चेयरमैन का ट्रांसफर हो जाता है, कभी इलेक्शन है, कभी ये, इस ढंग से करके टरकाते रहे। इलीगल एक्टिविटीज की बात की थी, कुछ और भी समस्या है? यहाँ समस्या है कि कुछ तो लड़के लड़कियाँ रात रात भर ये चलते हैं लाइब्रेरी, जबकि नियम है कि सुबह से शाम तक चलाओ लाइब्रेरी, रात रात भर 24 घंटे चलाने का कोई मतलब नहीं है, ये पैसे का व्यापार है, ये धंधे हैं। तो आप ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस को इन्होंने करप्शन किया? हाँ, हम ये आरोप है कि पुलिस और MCD भी जिम्मेवार उतनी ही है। तो MCD भी जिम्मेवार है, और देखिए किस तरीके से यहाँ पे विरोध प्रदर्शन का जो दौर है वो चल रहा है, लगातार जो जत्थे हैं स्टूडेंट्स के वो आ रहे हैं, और ओल्ड राजेंद्र नगर में फिलहाल पैरा मिलिट्री फोर्सेस को भी दिल्ली पुलिस के साथ तैनात कर दिया। थी और 24 घंटे चलती थी। तीसरी चीज ये कि वक्त रहते ये हादसा और भी बड़ा हो सकता था अगर बिजली को नहीं काटा जाता।